बरसात में बिजली गिरने से कई हादसे होते हैं, इसके लिए आपदा प्रबंधन ने एक विज्ञापन के जरिए घटना से बचने के उपाय भी बताए हैं। बिजली गिरने के बाद समय पर इलाज न मिलने से कई मौतें हो जाती हैं। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के निगरी चौक अंतर्गत आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई और एक नाबालिग घायल हो गया। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से इस वर्ष कई लोगों की मृत्यु हुई है। समय से चिकित्सीय मदद न मिलने से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। यदि समय रहते लोगों को मदद मिल जाती, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती तो मौतें रुक सकती थीं। वहीं इस संबंध में मृत महिला के परिजनों का कहना था कि देर से एम्बुलेंस मिली लेकिन हम अपने परिजनों को बचा नहीं सके। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निवास के डॉक्टर संजय पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, जितना भी स्टाफ है उनसे कार्य किया जा रहा है, लेकिन कहा गया है कि हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से स्टाफ के लिए आवाज उठाई है। एक आकाशीय बिजली से मृत्यु हुई है एक महिला की, और दूसरी है जिनके पेट में दो बच्चे थे, एक डिलीवरी घर पे हुई है और अभी पीएम किया गया है, उसका रिपोर्ट खुलासा हम पीएम में ही करेंगे। पीएम रिपोर्ट में ही उनकी मृत्यु डिलीवरी की वजह से हो गई है। वो घर पे ही दोनों ब्रॉड डेड आए हैं हमारे पास। गाड़ी कहीं बिजी रही होगी 108, वो हम लोग के अंडर नहीं आता है, वो भोपाल से कोऑर्डिनेट होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ये का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। ये तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।